जावेद अख्तर अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। आपको बता दें, अभी कुछ ही दिन पहले जावेद अख्तर ने पाकिस्तान के लाहौर में बैठकर पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर जावेद अख्तर जबरदस्त तरीके से वायरल हो गए थे। हर कोई उनकी तारीफों के पुल बांध रहा था और पाकिस्तान को घर में घुस करके वर्बल स्ट्राइक करने पर उनकी पीठ थपथपा रहा था। अब एक और बात ऐसी कही है जिसकी बहुत तारीफ हो रही है। जी हाँ, जावेद अख्तर ने ये कहा है कि दरअसल उर्दू, जिसे हमने पराया कर दिया है, ये हमारी अपनी यानी कि हिंदुस्तान की ही भाषा है। एक एल्बम रिलीज के मौके पर जावेद अख्तर ने ये बात कही है। आपको बता दें कि जावेद अख्तर ने ये साफ कहा कि पाकिस्तान का कोई अस्तित्व था ही नहीं, भारत से विभाजन के बाद ही वो अस्तित्व में आया, लिहाजा उर्दू सिर्फ भारत की ही भाषा है, उस पर भारत का ही अधिकार है, वो बाहर की भाषा नहीं है, ना ही बाहर बोली जाती है। उर्दू सिर्फ और सिर्फ भारत की अपनी भाषा है। यही नहीं, उर्दू के विकास में पंजाब का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। उन्होंने साफ कहा कि भारत की ये भाषा है और भारत ने इस भाषा को क्यों छोड़ दिया, सिर्फ बंटवारे की वजह से, पाकिस्तान की वजह से। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उर्दू भारत की ही भाषा है, पाकिस्तान का तो कोई अस्तित्व ही नहीं था। उर्दू को अटेंशन की जरूरत है। पहले सिर्फ हिंदुस्तान हुआ करता था और उर्दू उसकी एक प्रमुख भाषा, पाकिस्तान बाद में आया, इसलिए पाकिस्तान का उर्दू पर कोई अधिकार है ही नहीं। आपको बता दें, जावेद अख्तर की इस बात की काफी तारीफ भी हो रही है। जावेद अख्तर अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, हालांकि कई बार वो इसके चलते विवादों में भी आ जाते हैं, लेकिन जावेद अख्तर की इस बात की लगातार तारीफ हो रही है। India Today Conclave 2023, New Delhi. Listen to Prime Minister Narendra Modi